नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल पेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जियो फोन कॉल की डिटेल्स जो है कि अपने घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप किसी का भी स्टेटमेंट जो है कि बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत सारे लोग यह ट्रिक जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको कॉल डिटेल्स निकालना जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है कि बहुत ही आसानी से किसी का भी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें जाना है सबसे पहले जियो के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट है jio.com, यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, इंटरफेस दिखा इसमें यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम साइन इन पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक नया टैब ओपन होता है, एक नया विंडो ओपन होता है। इस विंडो में हमें दोस्तों अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, जिस भी मोबाइल नंबर का हमें कॉल डिटेल्स निकालनी है। तो यहाँ पे मैं इस केस में अपना मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिस किसी के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालना है दोस्तों उस पर ओटीपी जाएगा, किसी भी तरह से हमें ओटीपी यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, तभी उसकी कॉल डिटेल्स जो है कि हम आप निकाल सकते हैं। दोस्तों उसके बिना हम कॉल डिटेल्स नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों हम यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं और यह ओटीपी इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे जो कि ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है। दोस्तों तो ये ओटीपी हमारे पास आ चुका है, तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो ये ओटीपी मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही साइन इन पे क्लिक कर दें दोस्तों या इस मोबाइल नंबर के अकाउंट में आप इंटर कर जाएंगे और जिसके नाम पे यह सिम कार्ड होगा उसके उसका नाम यहाँ पे शो करने लगेगा। दोस्तों तो ये सिम कार्ड मेरे नाम पे है, तो यहाँ पे मेरा नाम शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम कॉल डिटेल्स की बात करें तो माई स्टेटमेंट में जाना है। यहाँ पे वो उस नंबर की सारी चीजें देख सकते हैं, कितना डाटा यूज किया गया है, जितना एसएमएस यूज किया गया है, कौन सा वो एक्सपायरी डेट कितने दिन बाद है, अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सारी डिटेल्स उसके बारे में देख सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कॉल डिटेल्स की, तो यहाँ पे माई स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है और जिस डेट तक आपको कॉल डिटेल्स चाहिए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, स्टार्ट डेट एंड एंड टाइम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं इसका स्टेटमेंट जो है कि हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में जो है कि डाउनलोड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यह स्टेटमेंट डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से यह स्टेटमेंट यहाँ पे शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे शो करने लगा, यहाँ पे देखिए मेरा नाम शो कर रहा है, सारी चीजें मेरी अकॉर्डिंग शो कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं सबसे नीचे और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कॉल डिटेल्स किस तरह से शो करती है। ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट इसको स्क्रॉल नहीं हो रहा है, हाँ हो चुका है स्क्रॉल। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही है, कितने कॉल्स किए गए हैं, कितने यूसेज हुए हैं, कितना डाटा यूज किया गया, यहाँ पे सारी चीजें दिखाई, किस डेट में कितना डाटा यूज किया गया, सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कॉल डिटेल्स शो कर रही है, किससे कितनी देर बात की गई है, तो सारी चीजें यहाँ पे शो करती है। और लास्ट में एसएमएस भी शो करता है, किसको कितना एसएमएस भेजा गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से किसी का भी कॉल डिटेल्स आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और आप भी अगर इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप भी किसी का भी कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।